वेलकम बैक टू माय स्वीट किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच की रेसिपी। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम की चाय, किसी के भी साथ हम वेजिटेबल सैंडविच इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों का तो फेवरेट सैंडविच है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिया है, उसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। दो ककड़ी ली है, उसको भी राउंड शेप में कट कर लिया है। एक बड़ा ऑनियन लिया है, उसको भी राउंड शेप में कट कर लिया है। दो आलू लिए हैं, उसको मैंने बॉईल करके उसका छिलका निकाल के उसको भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर और नमक को मिक्स करके सैंडविच नमक बनाया है। आप चाहे तो आप भी ऐसा नमक बना सकते हैं। और सैंडविच की चटनी ली है। सैंडविच की चटनी कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। और तीन मैंने सैंडविच ब्रेड लिए हैं बड़े, और उसके कॉर्नर कट कर लिए हैं। और अभी हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तीनों ब्रेड के ऊपर आप बटर लगा दीजिए। और अभी हम सैंडविच चटनी लगाएंगे। दो ब्रेड के ऊपर सैंडविच चटनी लगा दीजिए। और अभी हम इसके ऊपर आलू रखेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा आलू रख सकते हैं। और अभी हम टमाटर रखेंगे। टमाटर भी आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अभी हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और अभी हम दूसरा ब्रेड रख देंगे, उसके ऊपर बटर लगा दीजिए। और अभी हम इसके ऊपर ऑनियन रखेंगे। और अभी हम कुकुम्बर रखेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। और अभी हम दूसरा ब्रेड रखेंगे, हाथों से प्रेस कर लीजिए थोड़ा। और अभी हम इसको कट करेंगे। आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 पीस कट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। और अभी हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चीज़ क्यूब ली है। और अभी हम सैंडविच के ऊपर ग्रेट करेंगे। और यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब ग्रेट कर ली है। और हमारा सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। और हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है। और अभी हम इसको सर्व करेंगे।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक भी कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।